हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे निफ्टी के चार्ट्स, देखेंगे आज किस तरह का प्राइस एक्शन रहा और कल के सेशन में किस तरह का मूव हम देख सकते हैं। क्या हम बाजार में थोड़ी गिरावट देखेंगे या फिर से तेजी रिज्यूम हो सकती है, और साथ में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कल के सेशन में हमारे लिए यूजफुल रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। निफ्टी की आज की बात करें तो हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी। हम कल के वीडियो में भी बात कर रहे थे कि निफ्टी में गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, तो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई लेकिन उसके बाद हमने फॉलो अप नहीं देखा। आज का ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन जो था 18177 का था और आपका हाई है 180178, तो एक पॉइंट का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट सेम है ओपन और हाई, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। और क्लोजिंग भी देखें तो डे लो के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। एक बड़ी मंदी की कैंडल बनी है। आप इस कैंडल को डार्क क्लाउड कवर कह सकते हैं, बियरिश इनगल्फिंग भी कह सकते हैं। ऑलमोस्ट इसने पिछली कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है। सो ये जो आज हमने गिरावट देखी है, ये प्रॉफिट बुकिंग जो आज हमने मार्केट में देखी है, ये कल के सेशन में भी कंटिन्यू हो सकती है। कुछ कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे, इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो आज जो है उस सपोर्ट लेवल के ऊपर ही निफ्टी क्लोज हुआ है। लेकिन कल चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि वो एक इमीडिएट सपोर्ट है, एक इंट्राडे लेवल का सपोर्ट है, तो कल के सेशन में वो होल्ड होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये जो करेक्शन आज शुरू हुआ है ये कल भी एक्सटेंड हो सकता है। ओके, तो आवली चार्ट देख लेते हैं। आवली चार्ट पे आप यहाँ देख सकते हैं आज पहली कैंडल, पहले घंटे की कैंडल एक मंदी की कैंडल थी, डार्क क्लाउड कवर था, ओपन हाई सेम था, उसके बाद हमने गिरावट और आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। उसके बाद आखिरी घंटे में यहाँ पे रिकवरी की कोशिश हुई लेकिन ऊपर के लेवल पर यहाँ पर टिक नहीं पाया। ओके, सो 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, उसमें थोड़ा जो प्राइस एक्शन है थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्लियर देखने को मिलेगा। पहले 15 मिनट की कैंडल एक डार्क क्लाउड कवर, उसके बाद हमने लगातार यहाँ पर करेक्शन देखा, लास्ट में रिकवरी की कोशिश हुई लेकिन ये रिकवरी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टिक नहीं पा रहा है। तो कल के सेशन में ये जो कोशिश हुई थी यहाँ पे रिकवरी की, यही लेवल कल के लिए रेसिस्टेंस का काम करेंगे। सो ये इंट्राडे रेसिस्टेंस है 18082 18092, ये रेसिस्टेंस लेवल है। अगर कल इसको रेसिस्ट करता है, इसके नीचे ओपन होता है, तो यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि निफ्टी यहाँ पर 17940 से लेके 17950 के लेवल दिखा सकता है। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पे कल के सेशन में हम वीकनेस निफ्टी में आगे कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर 18100 से ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है फिर वहाँ पे वो आज के हाई टेस्ट कर सकते हैं, जिसके चांसेस कम है। लेकिन आप सारे सिनेरियोज यहाँ पे पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर करके रखेंगे तो उस केस में ट्रेड लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो चांसेस है कि वीकनेस कल कंटिन्यू होगी। ये जो रेसिस्टेंस लेवल मैं आपको बता रही हूँ 1880 से लेके 1890 की, ये कल रेसिस्ट कर सकता है, इसके नीचे ओपन हो सकता है। तो कल अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है तो उस केस में यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे इंट्राडे के लिए लिया जाता है। पोजिशनल कॉल्स अभी भी यहाँ पे तेज़ी की तरफ है, तो यहाँ पे जो वीकनेस है वो टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म अभी नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे 17000, ये जो आप लेवल देख रहे हैं 17900 के लेवल तोड़ेगा, तब जाके हम निफ्टी को फिर से रिव्यू करेंगे, फिर से हम बड़ा ट्रेंड रिव्यू करेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म यहाँ पे थोड़ा सा वीक है लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी अच्छा है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।